हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अरु, और ये मेरा गार्डन है। गार्डन क्या, मेरे टेरेस पे छोटा सा गार्डन बना रखा है, और मैं हरिद्वार से हूँ। ये देखिए मेरी छोटी सी बगिया। थोड़ी धूप हो गई है छत पर क्या करें, इसी टाइम फ्री होती हूँ। तो सबसे पहले आप मेरी महारानी से मिलिए। ये देखिए कितने लंबे बाल करे हुए बैठी है। और फ्रेंड्स, आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे फ्लावर्स का एक प्लांट है जिस पे अभी कुछ दिनों पहले फ्लावर्स आए हैं। ये देखिए, इस फ्लावर का नाम है मधुकामिनी। तो फ्रेंड्स, इसको मुरैया, मधुकामिनी और जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत ही सन लविंग प्लांट्स है। मतलब अगर आपके छत पर धूप रहती है, छाया नहीं है, और आप सोचते हो कि कौन से प्लांट्स लगाएं जो धूप में जले नहीं और अच्छे फ्लावर करें, तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट्स है मधुकामिनी। तो फ्रेंड्स, ये आपकी छत पर लगाइए और फ्लावर्स पाइए। और इसकी मेन क्वालिटी ये है कि इसके जो ये फ्लावर्स हैं ना, ये इतनी प्यारी खुशबू देते हैं ना, बहुत प्यारी खुशबू देते हैं। ये पास से देखिए, बहुत ही प्यारी खुशबू देते हैं ये फ्लावर्स। तो ये फ्रेंड्स, ये मैंने 12 इंच के गमले से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा ये मेरा टीन का कैन, आई थिंक 16 इंच का होगा, उसमें मैंने ये लगाया हुआ है। ये देखिए, एक साल पहले मैं इसको नर्सरी से लाई थी इस प्लांट को, और ये एक साल में ही इसकी ग्रोथ काफ़ी हो गई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी ग्रोथ। और बेसिकली इस प्लांट्स की खासियत ये है कि आप इसको कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कम फर्टिलाइज़र में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। बस आप इसको थोड़ा सा काव डंग, जैसे गोबर का खाद होता है, वो इसमें डाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए बहुत ही प्यारे खुशबू देता है। मतलब अगर आप इस प्लांट को अपनी छत पर एक प्लांट लगा देंगे और किसी कॉर्नर में रख देंगे, और आप छत पर आएंगे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको छत पर ही लगाना है, नीचे जहाँ भी आपके पास स्पेस है वहाँ पर आप इसको लगाइए, और ये आपको बहुत प्यारी खुशबू देगा। तो फ्रेंड्स, ये नर्सरी पे बहुत ईजिली मिल जाता है, और मैं तो इसको केवल 40 रुपये में अपने पास की नर्सरी से लाई थी। मतलब ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है ये प्लांट्स। और आप बोलिएगा आपको मधुकामिनी का प्लांट चाहिए या मुरैया का प्लांट चाहिए, जैस्मिन चाहिए, तो आपको ये तीनों नाम से वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी देखिए ये 3-4 वैरायटी में आता है। ये मिनी मधुकामिनी है। इसके थोड़े फ्लावर्स जो होते हैं, आपको पास से दिखाती हूँ, थोड़े छोटे फ्लावर्स होते हैं इसके। और एक इसमें ये वाली वैरायटी आती है, ये है थोड़ा बल्ब फ्लावर्स आता है। लेकिन कल रात हमारे हरिद्वार में बहुत भयंकर बारिश और आंधी आई, और इसके सारे फ्लावर्स टूट गए, झड़ गए। क्या करें, नेचर तो नेचर है, नेचर के आगे क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत प्यारा प्लांट है। आप इसको अपने गार्डन में थोड़ी सी जगह दीजिए, आपके पूरे गार्डन को महका के रखेगा अकेला ही, और आप इसकी खुशबू ऐसे फील करेंगे ना। मैं तो सुबह को एक कप चाय लेकर छत पे सबसे पहले आके यहाँ पे बैठती हूँ, और बहुत प्यारी खुशबू आती है मॉर्निंग में, इवनिंग में। दिन में तो धूप के कारण कभी कमी आते हैं छत में। और ये देखिए, ये इसी प्लांट में मैंने पोर्टुलका लगाया था। ये पूरे प्लांट, पूरे मेरे इसको पोर्टुलका ने कवर कर लिया है। ये भी बहुत ईजिली तोड़ कर मिट्टी में गाड़ दो, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। और देखिए फ्रेंड, ये मैंने ऑयल के कैन में लगा रखा है। मैं ज़्यादा ना खर्चे वाली चीज़ों पे वो नहीं करती हूँ कि बहुत महंगे पॉट चाहिए, ये चाहिए। जो भी मुझे मिलता है, प्लास्टिक के डब्बे, पेंट के डब्बे, मैं उसी में ही कलर वलर करके अपने प्लांट्स लगा देती हूँ। क्योंकि खूबसूरती केवल हमारी बनावटी चीज़ों से नहीं आती है कि हम बहुत महंगी चीज़ें यूज़ करें या बहुत महंगे महंगे पॉट लेके आएँ। खूबसूरती तो आपके हाथों में, आपकी कलाकारी में है। ये देखिए, ये ऑयल, ये कैन जो होती है ना प्लास्टिक की, उसमें भी मैंने ये सदाबहार के प्लांट लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये प्लांट्स कैसा लगा, तो बताइए कमेंट्स में प्लीज़। और मेरा चैनल टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो। ये देखिए मेरी फ्रेंड्स, मेरी महारानी, मैंने इसका नाम महारानी रखा है। इसकी हेयर देखिए, ये फ्रेंड्स टर्टल वाइन की बेल होती है एक, ये बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो जाती है। इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। ये देखिए, पसंद आई ना आपको?
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़, थैंक यू।